The process of making glass was developed over 3,000 years ago. Since then, glass has come to be an indispensable part of our lives, both for aesthetic as well as practical purposes. In India, Firozabad, a small industrial town known as the glass city of the country, is home to numerous factories that manufacture various kinds of glass products, including the world-famous glass bangles. In this video, let's go on a quick tour of one such factory in Firozabad. My name is Ehtisham. We are in Firozabad in India Opticals. This is soda. There are chemicals, mixing. पहले ये वहाँ से इसको वेट कर कर लाया जाता है, फिर इनको उससे छटने से छान कर फिर इसमें डाला जाता है, इसको मिक्सिंग किया जाता है। ये सोडा होने के बाद फिर जो हमारी वेस्टेड होती है, जिसको हम बंगाल की भाषा बोलते हैं, वो ये होती है, ये फिर इसमें डाला जाता है। वो लेकर आ रहे हैं अभी आपके सामने, ये डाल दिया इसमें। अब ये इसमें मिक्सिंग डलती है, मिक्सिंग बोलते हैं हम, जो केमिकल वगैरह होते हैं वो है, पोटास वगैरह। अब ये पैक हो जाएगा इसको, अब ये 18 घंटे के बाद खुलेगा फिर। हाँ, अब इसको हम बोलते हैं भराई। ये अब इसकी भराई हो गई। अब ये पॉट है, अब ये बंद है अभी। अभी मैं इसको बुलाकर आपको दिखाता हूँ। ये चेक कर रहे हैं क्या कांच पक गया या नहीं पक गया, अब इसे खोला जाए या नहीं खोला जाए, ढक्कन हटाया जाए नहीं हटाया जाए, इसका खोलेंगे अभी। इसको माल पक गया है इसमें, अब इसका ढक्कन हटने वाला है। बस अभी थोड़ा सा इतना ही छोड़ेंगे, बस हो गया। हाँ, अब थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद बिल्कुल ढक्कन नीचे रख देंगे इसका। इसको हम पॉट बोलते हैं, वो रखे हुए हैं, वो होते हैं इसके अंदर रखे जाते हैं। ये भट्टी के अंदर रख जाता है, फिर इसमें ही कांच डाला जाता है, जिसको भराई बोल रहे थे हम, वो यही था। सारी मिक्सिंग वगैरह इसमें पकती है, डलती है, फिर 18 घंटे बाद इसमें से कांच निकलता है पकने के बाद। इसको पॉट बोलते हैं, पॉट। और कांच 1100 डिग्री पर पकता है। ये काम चल रहा है, ये खुला हुआ है। क्या निकला है वो? अब ये कांच निकला है। कांच ये इसमें सरिया है ना लोहे की, इसमें लिपट कर आ रहा है। वहाँ पर ये आ गया लिपट कर, ये आ गया। ये कांच है जो मिक्सिंग से बनकर आया था, अब ये कांच है। ये छूली वाला प्रोसेस चल रहा है, और वो जो हमारा वो प्रोसेस है, वो रॉड का प्रोसेस है। वो रॉड जो खिंचती है, वो हैंड वर्क के काम में आती है। जो हैंड वर्क के खिलौने वगैरह, छोटे छोटे चिप्स वगैरह, ग्लास बीड्स वगैरह के काम में आती है। ये रॉड खिंच रही है ना, ये हैंडीक्राफ्ट में काम में आती है। ये टॉयज वगैरह के काम में भी आती है ये। और ये वाला प्रोसेस जो चल रहा है, ये शैंडलियर का प्रोसेस है। झूमर बनना है, झूमर। हाँ, ये झूमर है, ये हैंड वर्क के झूमर हैं, हाथ से बनाने वाले झूमर हैं ये। ठीक है। और उधर वो पुली मैन है, जिसमें माल बनकर ये पकने जाता है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है उसको उस टेम्परेचर में रखना पड़ता है, नहीं तो क्रैक होने की संभावना रहती है। अब उसको हम बोलते हैं कुली मैन, भट्टी, पकाई भट्टी। अब यहाँ से बनकर आने के बाद इसके अंदर जाएगा, ये बनकर आया वो वाला पीस, वो इसमें आ गया। अब ये पक के बाहर निकल लिया, ये बल्ब है। ठीक है, अब ये 2 दिन बाद निकलेगा इसमें से माल, 2 दिन पकता है। चूड़ी सेम डे में बाहर आ जाती है, रॉड सेम डे हाथ में बाहर आ जाती है। जो एक्सपोर्ट कर आइटम है, जैसे ये पड़े हुए हैं एक्सपोर्ट टाइप के आइटम, झूमर के आइटम, ग्लास वेयर के आइटम, उनको 2 दिन पकने के लिए चाहिए होता है।